आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देखिए आज की जिले और प्रदेश की ताजा बड़ी खबरें। कुकड़ेश्वर नगर पंचायत चुनाव हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक श्री गुज्जर 29 को कुकड़ेश्वर में कांग्रेस सज्जनों की बैठक में लेंगे भाग। कुकड़ेश्वर नगर पंचायत चुनाव हेतु मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक महेंद्र सिंह गुज्जर दिनांक 29 जनवरी 2021 शुक्रवार को प्रातः 11:30 बजे कुकड़ेश्वर नगर के कांग्रेस सज्जनों से भेंट करेंगे। ब्लॉक कांग्रेस व नगर कांग्रेस कमेटी ने आग्रह किया है कि समस्त कांग्रेस जन पधारे। उक्त जानकारी दिलीप रोदवाल अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुकड़ेश्वर ने प्रेस नोट जारी कर दी है। जावद पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने बुधवार को जावद थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने में दर्ज किए गए मामलों के निष्पादन एवं फरार वारंटी व नगर सुरक्षा के संबंध में थाना प्रभारी से जानकारी ली। SP ने थाना प्रभारी को गंभीर मामलों में दर्ज कराए गए प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुए समय आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने के अलावा नामजद लोगों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने थाने में आने वाले फरियादियों को फ्रेंडली पुलिस के तहत उनसे बर्ताव करते हुए उनकी मामलों को गंभीरता से लेने व उस पर यथोचित कार्यवाही करने की बात कही है। मौके पर SP ने थाने में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों व जवानों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। साथ ही उन्हें पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात कही है। वहीं SP ने थाना परिसर का भी मुआयना कर वहां के सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। मौके पर थाना प्रभारी विजय सिंह के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी वहां मौजूद थे। जबलपुर 8 जिलों में फर्जी बही बनाकर जमानत कराने वाले गिरोह को गुरुवार को हनुमानत ताल पुलिस ने भंडाफोड़ किया। आरोपी 1 से 1,500 रुपए में बही और आधार कार्ड तैयार करते थे। इसके बाद वे 5 से 10,000 रुपए लेकर जमानत कराते थे। ये गैंग पिछले 13 सालों से सक्रिय था। आरोपियों में पिता पुत्र व समधन सहित कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक फरार है, जबकि एक आरोपी मारपीट के मामले में 2 महीने पहले गिरफ्तार होकर जेल में है। जानकारी के अनुसार मामले में हनुमान ताल पुलिस ने गाजीनगर निवासी शातिर बदमाश मुन्ना उर्फ शौकत अली, उसके बेटे सद्दाम, समधन सलमा और 50% के पार्टनर पप्पू दाहिया सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक आरोपी मुन्ना का बेटा बबुआ फरार है। वहीं उसका साला अशफाक मारपीट के मामले में 2 महीने से जेल में है। भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 4 महीने में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के चेयरमैन एंटोनी डीजा, 2 तकनीकी सलाहकार और 1 IT सलाहकार को हटा दिया है। इसमें पूरे प्रदेश में हाउसिंग सेक्टर ठप पड़ गया है। न तो किसी नए प्रोजेक्ट का पंजीयन हो पा रहा है और न ही ग्राहकों की उन 2000 शिकायतों पर सुनवाई हो रही है जो बिल्डरों के खिलाफ रेरा में दी गई है। रेरा चेयरमैन इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी शिकायत में सुनवाई के लिए जाते थे, लेकिन 4 महीने से एक भी सुनवाई नहीं हो सकी है। 1 दिसंबर के बाद से भोपाल स्मार्ट सिटी समेत 300 आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट की अनुमति अटक गई है। इनके जरिए करीब 12,000 मकान बनाए जाने हैं। बिल्डरों के भी करीब 3,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। नियमानुसार किसी भी प्रोजेक्ट के पंजीयन के लिए एक
न्यायिक अधिकारी के साथ अध्यक्ष या फिर तकनीकी सलाहकार किन्हीं दो का होना जरूरी है, लेकिन रेरा में एक न्यायिक सलाहकार दिनेश नायक के अतिरिक्त सारे पद रिक्त पड़े हैं। क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने बताया कि रेरा के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार यह स्थिति निर्मित हो रही है। ताजा खबरों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके।